वक्त बदल गया है और लोगों का ध्यान पेट्रोल स्कूटर से हटने लगा है। आली रे आली, आता तुझे भारी आली। पर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बात करें तो चार नाम मशहूर हैं। Ather 450X, Ola S1 Pro, TVS iQube S, बजाज चेतक, और इन चारों स्कूटर्स को हमने डिटेल में टेस्ट किया है। तो आज के वीडियो में हम यही टेस्टेड फिगर्स को ध्यान रखते हुए आपको बेहतर समझा पाएंगे कि इन चारों में से कौन सा स्कूटर आपके लिए परफेक्ट होगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले बाइक देखो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लुक्स काफी सब्जेक्टिव चीज है। आफ्टर ऑल, जबकि कुछ लोगों को एथर 450X का लगभग 5 साल पुराना डिजाइन इसके शार्प कट्स और क्रीजेस के वजह से आज भी काफी फ्रेश लगता है, कुछ और लोग हैं जिनको ओला S1 Pro या बजाज चेतक का राउंडेड क्लासिक डिजाइन ज्यादा अच्छा लगता है। और हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कंसिस्टेंसी पसंद है। इन लोगों को iQube S ज्यादा पसंद आएगा क्योंकि ये उन्हें पेट्रोल स्कूटर्स की याद दिलाती है। पर एक जगह जहां चारों स्कूटर्स लगभग सेम ही है वो है इनकी सीट हाइट, जो ज्यादातर तरह के राइडर्स को एकोमोडेट काफी आसानी से कर लेता है। और इन चारों स्कूटर्स का राइडिंग स्टांस भी रिलैक्स्ड लेकिन अपराइट ही है। पेट्रोल स्कूटर्स का वो कॉमन सवाल, कितना देती है, इस नए जनरेशन में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए बदल के बन गया है कितना दूर जाती है, जिसका जवाब आपके स्क्रीन पे ही होगा। अब हाँ, जैसे आप देख सकते हैं, एक तरफ ओला और एथर और दूसरे तरफ टीवीएस और बजाज का ही मुकाबला है, और ये इनके बैटरी कैपेसिटी और कर्व वेट में भी रिफ्लेक्ट होता है। और इसलिए एथर 450X का सबसे कम कर्व वेट, सेकेंड बेस्ट बैटरी कैपेसिटी और सटीक रीजनरेशन एबिलिटी इसे सबसे ज्यादा रेंज देता है। अब परफॉर्मेंस पे आए तो असली मुकाबला एथर 450X और ओला S1 Pro के बीच में ही है, क्योंकि बजाज चेतक और iQube S दोनों में परफॉर्मेंस कम है, साथ में इनके टॉप स्पीड भी कम ही है। अब अपने सेकंड बेस्ट पावर आउटपुट और कम कर्व वेट के वजह से लो स्पीड एक्सेलरेशन में एथर 450X बेशक बेहतर है, लेकिन स्पीड्स बढ़ने लगे तो ओला S1 Pro का ज्यादा पावर साफ दिखता है। इतना कि इसका 0-80 किलोमीटर पर आवर टाइम एथर 450X से करीब 4 सेकंड, और इनफैक्ट चेतक के 0-60 किलोमीटर पर आवर टाइम से भी 1 सेकंड बेहतर है। पर डेली यूसेज में ओला में थोड़े इश्यूज हैं, खास करके इसके थ्रॉटल रेस्पॉन्स में। और तो और, इसके सबसे कम इको मोड में कोई फ्लाईओवर या चढ़ाई भी मुश्किल हो जाती है। इसके मुकाबले एथर 450X में चारों राइडिंग मोड्स काफी स्मूथली चलते हैं और इसका थ्रॉटल रेस्पॉन्स का फील भी काफी नेचुरल है। फिर आते हैं iQube और चेतक पे। दोनों में आपको दो ही राइडिंग मोड्स मिलते हैं, इको और पावर, लेकिन दोनों में आप इको मोड में भी करीब 50 किलोमीटर पर आवर तक चला पाएंगे। साथ में चेतक में आपको एक और ट्रिक मिलता है, इको मोड में अगर आप एक्सीलेटर थोड़ा ज्यादा घुमा दे तो आप अपने आप स्पोर्ट मोड में स्विच हो जाएंगे, जो ओवरटेकिंग ज्यादा आसान बना देगा। और स्पोर्ट मोड में अगर स्पीड कम हो गया तो ये फिर से इको मोड में चले जाएगा, जो आपका रेंज भी बचा पाएगा। और फाइनली, पूरे दिन के मौज मस्ती के बाद जाहिर है आपको चार्ज भी करना पड़ेगा। पर यहाँ भी हमें दो कैटेगरीज मिले। पहला है नॉर्मल मोड, जहाँ लाजमी है कि सबसे छोटे बैटरी वाला बजाज चेतक सबसे कम टाइम लगाएगा और सबसे बड़ा बैटरी वाला ओला S1 Pro सबसे ज्यादा टाइम लगाएगा। पर यहाँ हमें TVS iQube S की एक खासियत भी पता चली। इसमें आपको दो तरह के चार्जर मिलते हैं, और बड़े वाले 950 वॉट चार्जर से आप इसे 0-80% तक करीब 3 घंटे के अंदर ही चार्ज कर पाएंगे। फिर आते हैं फास्ट चार्जिंग पे, जहां सबसे पहले चेतक और iQube में ये है ही नहीं, और एथर में भी फास्ट चार्जिंग करीब 80% तक ही होता है। तो जाहिर है कि इस केस में ओला S1 Pro थोड़ा सा बेहतर है। पर ध्यान रहे, फास्ट चार्जिंग का मकसद बैटरी को फुल चार्ज करना नहीं, बल्कि चार्ज को टॉप अप करने जैसे होता है। तो जैसे हमने पहले ही कहा, चारों स्कूटर्स में आपको कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन मिलता है, पर जबकि 450X, iQube और चेतक में फ्लैट फ्लोर बोर्ड है, जहां आप कोई बैग या लगेज आसानी से रख पाएंगे। ओला के केस में
फ्लोरबोर्ड का शेप थोड़ा राउंडेड है और यहाँ आपको एक सेंट्रल रिज भी मिलता है, जिसका मतलब बैग और पैर दोनों को रखना मुश्किल हो जाता है। फिर आते हैं अंडरसीट स्टोरेज पे, जहाँ ओला एस्पान प्रो बेहतर है, क्योंकि कंपनी के मुताबिक इसके अंडरसीट स्टोरेज में आप दो हाफ फेस हेलमेट फिट कर सकते हैं। इसके मुकाबले बाकी तीनों स्कूटर्स थोड़े से पीछे हैं। हालांकि बजाज चेतक राइडर्स को एक हल्का सा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जबकि iQube और 450X में आपको चार्जर और केबल अंडरसीट स्टोरेज में ही रखना पड़ता है, जो ऑफकोर्स थोड़ा सा तो जगह खा ही लेता है। चेतक के केस में चार्जिंग केबल को आप फ्रंट एप्रन के स्टोरेज में रख सकते हैं और इसी के दूसरे साइड पे आपको एक छोटा सा कबी होल मिलता है, जहां आप मोबाइल रख सकते हैं और USB पोर्ट के साथ मोबाइल को चार्ज भी कर सकते हैं। और बात करें फीचर्स की, तो जैसे आप देख सकते हैं ओला S1 Pro थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि इसमें सारे नॉर्मल फीचर्स के साथ हिल होल्ड फंक्शन और क्रूज कंट्रोल भी मिलता है और इसके एक्सटर्नल स्पीकर से आप गाने भी बजा सकते हैं। और यहीं पे आपको बजाज चेतक के थोड़ी खामियां दिखेंगी। अब हाँ, इसमें कीलेस ऑपरेशन, राइडिंग मोड्स के साथ रिवर्स मोड और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिलती तो है, पर उसमें आपको सिर्फ व्हीकल डेटा और म्यूजिक कंट्रोल और प्लेबैक मिलता है। और जबकि बाकी तीनों स्कूटर्स में आपको TFT कॉन्सोल मिलता है, जो एथर और ओला के केस में टच स्क्रीन भी है। बजाज के केस में आपको एक नेगेटिवली लिट LCD कॉन्सोल मिलता है, जो सबसे पहले काफ़ी छोटा है, जिसमें नेविगेशन नहीं है और तो और तेज धूप में ये ठीक से दिखता भी नहीं है। चारों स्कूटर्स की कीमत को देख के जाहिर है कि ज्यादातर लोग ओला S1 Pro की ओर ही जाएंगे। आफ्टर ऑल, इसमें फीचर्स, प्राइस और परफॉर्मेंस का एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिलता है, लेकिन रियल वर्ल्ड कंडीशंस में फैसला उतना भी सीधा नहीं है। सबसे पहले इस प्राइस पॉइंट में आप रिलायबिलिटी और क्वालिटी तो डेफिनेटली चाहेंगे, और अफसोस ओला अभी तक लोगों में उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं जगा पाया है, और इस वजह से एथर अपने थोड़े कम कन्वीनियंस और थोड़े ज्यादा प्राइस के बाद भी अपने बेहतर फीचर्स, अच्छे रेंज और अच्छे खासे परफॉर्मेंस के वजह से ज्यादातर लोगों को अपनी ओर ला पाएगा। दूसरी ओर, ऑफिस कम्यूट और मोटे तौर पे फैमिली स्कूटर ड्यूटीज के लिए चाहिए एक सिंपल, फंक्शनल और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अफोर्डेबल स्कूटर, जो है TVS iQube S। और फाइनली, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए परफॉर्मेंस और रेंज ज्यादा मायने नहीं रखता, उनको चाहिए स्टाइल, और बजाज चेतक का विंटेज यूरोपियन लुक और ऑल मेटल बॉडी के वजह से ये इसके ज्यादा प्राइस और कम रेंज को नजरअंदाज करने के लिए तैयार होंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे, आज के इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में हर तरह के राइडर के लिए कुछ ना कुछ तो है ही, देरी सिर्फ टेस्ट राइड लेने तक है। जाने से पहले, क्योंकि काफी और भी नाम है जो इस लिस्ट में अब तक नहीं शामिल हुए हैं, तो जाहिर है कि इस ई स्कूटर कंपैरिजन का Part 2 वीडियो भी जरूर आएगा, लेकिन हाँ, आपको उसके लिए थोड़े दिन रुकना पड़ेगा। तो लगे हाथ बाइक देखो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हर तरह के टू व्हीलर के बारे में हर तरह की जानकारी ले पाए, वो भी हिंदी में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए बाइक देखो।